आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। आयरन बीम गिरने पर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बीबीआईपी जनपद अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर स्थित बीएचईएल कंपनी में चल रहे विस्तार के लिए कई तरह की मशीनों के साथ साथ क्षेत्रीय मजदूर भी लगे हुए हैं। इसी दौरान आज सुबह लगभग 10:30 बजे फैक्ट्री की ही एक हाइड्रा मशीन आयरन बीम को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसकी चेन टूट जाने से बीम टूट कर नीचे खड़े मजदूर के ऊपर गिर पड़ी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मजदूर के ऊपर बीम गिरने से उसकी मौत की सूचना आनन फानन में पूरी फैक्ट्री तक पहुँच गई, तो सिक्योरिटी गार्डों ने फैक्ट्री गेट को बंद कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान अशरफपुर ग्राम सभा कठोरा के बाबूलाल पुत्र सर्वजीत उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। मजदूर बाबूलाल की मौत की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, भारी संख्या में ग्रामीण बीएचईएल गेट पर पहुंच हंगामा करने लगे। सूचना पर स्थानीय थाना कबरौली की पुलिस मौके पर पहुंची और वह भी मामले को सुलझाने में अंदर जुट गई। सूचना पाकर तत्काल स्थानीय विधायक व राज्य मंत्री सुरेश पासी भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके लिए गेट भी नहीं खोला, तो मंत्री के पीआरओ ने प्लांट के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मंत्री के साथ की गई अभद्रता की शिकायत प्लांट के उच्चाधिकारियों से भी की। फिर भी जब गेट नहीं खुला तो मंत्री एसडीएम व सीओ के साथ प्लांट के दूसरे गेट से अंदर पहुंचे। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को भी सुरक्षा कर्मियों ने कवरेज करने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ आक्रोशित है। मोहम्मद शकील ने बताया कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अंदर पुलिस वाले और कंपनी के अधिकारियों के बीच क्या वार्ता चल रही है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि 5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। वीडियो बना लीजिए, रुको एक मिनट। क्या मामला है पूरा? ये मामला है, हमारे गांव का एक लड़का है जो बीएचएल कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करता था, उसका किसी वजह से दुर्घटना हो गई है, तो उसकी वजह से अभी तक का किसी को ना अंदर जाने दिए हैं ना किसी को अंदर आने से, अंदर से कोई रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। कई बजे की घटना है ये 10:30 बजे की बात है। तो किसी को अभी तक अंदर नहीं जाने दिए हैं? नहीं, किसी को नहीं जाने दिए, खाली ग्रामीण को किसी को नहीं दिए, उनको पुलिस गई है और एसडीएम लोग सारे लोग गए हैं, एसडीएम साहब भी गए हैं, और कोई पत्रकार को भी नहीं जाने दिए हैं ना कोई पब्लिक को जाने दिए हैं। बस अंदर क्या बातें हो रही हैं अभी तक का कोई रिपोर्ट अंदर से नहीं आई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं मालूम। फिलहाल अभी क्या समय हो रहा है? अभी तो मान के चलिए कि 2:45 बज रहा है। क्या स्पष्ट रूप से आप ये बताएंगे कितना समय हो चुका है अभी तक? हम मान के चलिए 4 से 5 घंटे हो गए लगभग। कहाँ के रहने वाले हैं? अशरफ। क्या मामला हुआ भैया? यहाँ पे भी वो मशीन चल रही थी जो हाइड्रा है, उसी पे एक जो इस पे आती है बीम लंबी वाली की क्रेन, ना कोई जंजीर का उसमें सुविधा है, उसी पे उसको लोड करके बाहर लेकर जा रहे थे, दूसरी जगह पर एरिया को डेवलप कर रहे थे, वहीं पे उसके ऊपर वो पिलर गिर गया है, जिससे उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो गई। कौन है खत्म हुआ है? हमारे गांव का एक बाबू राम राजमैन।